hello everyone welcome back to panacea tutor in this video we are going to discuss that how much minimum marks you require to qualify for ugc net or jrf for paper to commerce कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए आपको कितनी कट ऑफ चाहिए अगर आप अपना जे आर एफ या नेट क्लियर करना चाहते हो कि कितनी गया है for different categories. Categories like कि जर्नल के लिए कितना गया है ईडब्ल्यू एस के लिए एस सी के लिए एस टी के लिए फॉर वेरियस कैटेगरीज कितना कट ऑफ जाता है फॉर बोथ नेट के लिए और जे आर एफ के लिए सो इफ आई से की जरूरी क्यों है कि कट ऑफ हमें डिस्कस करना है आपको अभी यूजीसी की जो नोटिफिकेशन है 2022 की वो बहुत ही जल्द मिल जाएगी तो ट्वेंटी प्रिपरेशन आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है ठीक है कि आपको मिनिमम कितने सिक्योर करने हैं आपको कितना कट ऑफ चाहिए फॉर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट और जे आर एफ ठीक है तो पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको नेट की तरफ जाना है या नेट और जे आर एफ दोनों के लिए अप्रोच करना है और अगर आपको ये क्लियर है देन उसके बाद आप ये जानो कि अगर आप जे के लिए जा रहे हो तो आपको मिनिमम कितना कट ऑफ चाहिए और अगर आप यूजीसी के लिए जा रहे हो तब आपको मिनिमम कितना कट ऑफ चाहिए सो so उसके लिए पहले आपको लास्ट क्या क्राइटीरिया uh, रहा है लास्ट क्या कट ऑफ रहा है और इस बार क्या मैथड हो, हो सकता है उसका अनालिसिस करना बहुत जरूरी है सो इन दिस वीडियो हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से कैटेगरी uh, के लिए कितने मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड है पेपर uh, क्लियर करने के लिए या नेट या जी क्लियर करने के लिए सो so, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दैट की मैथड क्या है फॉर कैलकुलेटिंग दिस कट ऑफ अगर आपको सुनने में आया होगा कि 2021 का जो भी रिसेंट रिज़ल्ट आया है उस रिजल्ट में हमने सुना है कि किसी के 99 नाइन परसेंट आईज मार्क्स आए हैं किसी के 100 परसेंट आइज मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है दैट इज स्कोर 300 हंड्रेड आउट ऑफ 300 कि अगर किसी के 100 परसेंट आई लें तो उन्होंने फुल मार्क्स सिक्योर करे हैं इस बार जो है मैथड वो उन्होंने अडॉप्ट किया है दैट इज परसेंट वो परसेंटेज नहीं है सो so हम पहले इसी पर डिस्कस करते हैं कि परसेंटेज मैथड क्या था और परसेंटाइल मेथड क्या था सो परसेंटेज मेथड जो अर्लियर अडॉप्ट किया था यूजीसी नेट ने वो ये था कि आपके जितने मार्क्स सिक्योर करे हैं आउट ऑफ टोटल मार्क्स यानी कि अगर आपने स्कोर करा है 150 मार्क्स आउट ऑफ 300 तो आपकी परसेंटेज हो जाती है 50 परसेंट स की आपने फिफ्टी परसेंट मार्क्स जो है वो सिक्योर करें हैं और उसके बेसिस पे वो अपना रिजल्ट बता देते हैं सो so परसेंटेज में बहुत ईजी था और आप इंडिविजुअल लेवल पर यानी कि आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं आपको आंसर की जो है वो भी बताई जाती है तो आप आंसर की से अपने आंसर मैच कर सकते हो और ये एनालाइज कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे होंगे कितने मार्क्स आपने सिक्योर करे हैं आउट ऑफ थ्री हंड्रेड और आप अपनी परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हो और उन्हीं पर परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स में से जो टॉप परसेंट स्टूडेंट्स होंगे उनमें से जो है हमारा रिजल्ट आ जाता है फॉर के के so जितना भी परसेंटेज उस टाइम पे गया होगा उस में गया होगा उसमें से जो टॉप सिक्सेंट वाले होंगे वो जो है सिलेक्ट हो जाएंगे या क्वालिफाई हो जाएंगे फॉर यूजीसी नेट ऑन द अदर हैंड अभी हमारे पास है

सबसे पहले रीजन क्या है इस मेथड को अडॉप्ट करने का क्योंकि यहाँ पे अब हमारे जो एग्जाम है वो डिफरेंट शिफ्ट में होते हैं ठीक है जैसे कॉमर्स का एग्जाम जो है वो फोर शिफ्ट में हुआ है तो फोर शिफ्ट में डिफरेंट लेवल रहा है एग्जाम का मॉर्निंग के शिफ्ट में पेपर डिफिकल्ट था इवनिंग के शिफ्ट में पेपर ईजी था सो so अगर परसेंटेज वाला मैथड ही अगर अडॉप्ट करेंगे तो जो ईजी शिफ्ट वाले यानी जिसमें एग्जाम ईजी आया था उसी शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स जो हैं, वही टॉप सिक्स परसेंट में आ जाएंगे बिकॉज उनका पेपर इजी था तो उन्होंने ज्यादा परसेंटेज स्कोर कर लिया तो इस इन को या डिस्पैरिटी को रिमूव करने के लिए पर्सेंटेल मेथड अडॉप्ट किया है जिसमें वो क्या करते हैं कि एक शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स देखते हैं उसमें से जिसने हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करे हैं उसके बेसिस पे वो सिलेक्ट करेंगे ठीक है अगर एक शिफ्ट में हंड्रेड स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है तो उस हंड्रेड में जिसने टॉप किया है अब वो टॉप करने वाला सिक्सटी परसेंट मार्क्स भी सिक्योर कर सकता है फिफ्टी परसेंट मार्क्स भी सिक्योर कर सकता है दैट डिपेंड्स कि पेपर का लेवल क्या था सो so, उस पर्टिकुलर शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है उसमें से वो टॉप वाले स्टूडेंट्स के बेसिस पे परसेंटाइल जो है वो कैलकुलेट करके आपको बता देंगे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेट के लिए यानी कि सिर्फ यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो सो so, कितनी कट ऑफ रिक्वायर्ड है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यहाँ पे यूजीसी नेट कट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के लिए आपको लास्ट फाइव अटेम्प्ट का जो है डाटा दिया हुआ है जिसमें सबसे लेटेस्ट वाला है 2021 जो कि पर्सन टाइम में था उसमें अगर हम देखें तो अनरिजर्व के लिए कट ऑफ गया है 97.29 सेवन पॉइंट टू नाइन ठीक है दैट मीन्स कि 97.29 से लेके 100 परसेंट टाइल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका नेट क्लियर हो गया है और अगर हम किसी और कैटेगरी की यानी कि ई की बात करें सो नाइन्टी थ्री पॉइंट परसेंटाइल सो यहाँ पे 93 से लेके 100 परसेंट टाइल वाले सारे स्टूडेंट्स का जो है वो नेट जो है वो क्वालिफाइड है ओ का 90.47, पॉइंट के लिए 82.78 टू पॉइंट सेवन एट एस टी के लिए एट्टी वन पॉइंट टू टू एंड पीडब्ल्यू डी के लिए सेवेंटी एट पॉइंट नाइन सो टू थाउजेंड ट्वेंटी वाले अटेम्प्ट में भी परसेंटाइल वाला मैथड था वहाँ पे 95.63 फाइव पॉइंट सिक्स थ्री ये दोनों जो मैं बता रही हूँ ट्वेंटी वन और ट्वेंटी ये परसेंटाइल हैं ये परसेंटेज नहीं है ठीक है उससे पहले यानी कि 2019 दिसंबर नाइनटीन जून या एटीन के जो अटेम्प्ट थे तब परसेंटेज वाला मेथड अडॉप्ट होता था दैट मींस कि अनरिजर्व के लिए जैसे कि 2019 दिसंबर में 55.3 परसेंट

160 to टू वन मार्क्स अगर आप नेट क्लियर करना चाहते हो और अगर हम ई डब्ल्यू एस की बात करें तो सिर्फ 50% यानी कि अगर आप 150 भी स्कोर करते हो तो सो आपका जो है वो नेट क्लियर हो जाता है ओबीसी के लिए भी 50% था एस के लिए 48 परसेंट था एस के लिए 47 और पीडब्ल्यू के लिए 44.67 परसेंट तो समवेयर अराउंड 140 टू 170 इसके बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं सो so आपका यू जो है नेट ओनली नेट जो है वो क्लियर हो सकता है सो so यहाँ पे आपको लास्ट फाइव टू सिक्स अटेम्प्ट मार्क्स नजर आ रहे हैं लेकिन सिर्फ नेट के लिए बिफोर डिस्कसिंग फर्दर आई वुड लाइक टू टेल यू की हमारी यूजीसी नेट जे आर एफ पनेशिया ट्यूटर के पोर्टल पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि क्लासरूम बैचेस हैं लाइव कोर्सेज हैं वीडियो कोर्सेज हैं जहां पे आपको हर एक टॉपिक की वीडियोस उसके पीडीएफ नोट्स और एमसीक्यूज अवेलेबल हैं ठीक है पेपर वन पेपर टू कॉमर्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स एंड लाइफ साइंस इन सब की वीडियो कोर्सेज आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं एंड फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट दस ऑन एनी हमारा व्हाट्सएप और ई सब आपके सामने मैंशन है नेक्स्ट विल डिस्कस कि जे के लिए कितना परसेंटेज गया है लास्ट सिक्स अटेम्प्ट्स में सबसे पहले अनरिजर्व यानी कि जर्नल कैटेगरी की बात करते हैं सो so, जो परसेंटाइल था लास्ट जो है यानी कि रिसेंट वाला परसेंटाइल 2021 में 99.45 गया है यानी कि जो टॉप वन परसेंट स्टूडेंट्स थे वो इसी रेंज में आ रहे हैं 99.45 से लेकर 100 परसेंटाइल वाले में और 2020 में था ये 99.35 तो ऑलमोस्ट सिमिलर मार्क्स रहे होंगे जितना 21 में कट ऑफ गया होगा उतना ही 20 में और अगर हम ई की बात करें सो so 2021 में परसेंटाइल जो गई है वो 98.61 20 में भी ऑलमोस्ट सिमिलर थी 98.53 ओ की थोड़ी सी कम है यानी कि 97.59 SC की उससे भी कम है 95.03 देन एस की 94.44 PWD की 98.18 एट so सो ये JRF की डिफरेंट परसेंटाइल गई है लास्ट 21 और 20 के अटेम्प्ट में और जो उसकी पहले वाले अटेम्प्ट्स हैं उसमें आपको परसेंटेज बताई हुई है अगर आप जर्नल की परसेंटेज देखो तो वो सिक्सटी प्लस है यानी कि आपको जर्नल कैटेगरी में मिनिमम तो करने ही करने ही हैं अगर आप JRF स्कोर करना चाहते हो मैक्सिमम तो आप पे डिपेंड करता है लेकिन मिनिमम तो मस्ट है सो so, जे का जो परसेंटेज रहता है वो नेट से सिक्स टू एट परसेंट थोड़ा ज्यादा रहता है ठीक है जितनी मेहनत आपको नेट के लिए करनी है उससे थोड़ी और यानी कि सिक्स टू एट परसेंट मेहनत आपको और करनी पड़ेगी अगर आप जे की तरफ अपना एम बनाना चाहते हो 2021 की बात करें तो नेट जो है जनरल कैटेगरी का वो गया था 97.29 और जेआरएफ गया है परसेंटाइल 99.45 ठीक है ये दो परसेंटाइल में भी 97 से 99 का जो गैप है ना इसमें भी बहुत सारे मार्क्स का फर्क पड़ जाता है सो so, वो दो परसेंट या 2 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स के बीच में आना टॉपर्स में आना बहुत ही जरूरी है इसके लिए आप क्या कर सकते हो देखो पेपर टू जो है कॉमर्स वो आपका फोर्टे है आपने अपनी ग्रेजुएशन अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है इसमें करी है सो जो आपके अच्छे सब्जेक्ट्स हैं आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हो लेकिन जो पेपर वन है वो जनरल है ठीक है बहुत से ऐसे जनरल टॉपिक्स हैं जिसको आप रियल लाइफ के साथ भी रिलेट कर सकते हो और बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं सो so, आप अपने टोटल मार्क्स जो है उसमें से 80 परसेंट मार्क्स अपने पेपर वन से सिक्योर कर सकते हो सो so, पेपर वन और पेपर टू में अगर हमें चूज करना पड़े तो पेपर वन के ऊपर आप ज्यादा फोकस करो बिकॉज वहां से आप लोग ज्यादा परसेंटेज जो है वो या ज्यादा मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हो 2020 में देखें तो भी यही था नेट के लिए आपको 95.63 चाहिए था फॉर जनरल कैटेगरी और जे के लिए चाहिए था 99.35 और अगर परसेंटेज वाले में जाएं तो 55 परसेंट आपको चाहिए था जनरल कैटेगरी के लिए और 62.67 चाहिए था आपको जे के लिए ठीक है सो इफ़ यू सी केयरफुली ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी और या टू थाउजेंड नाइनटीन अगर हम लास्ट थ्री ईयर या थ्री अटेम्स का हम एनालिसिस करें सो so आपको अराउंड टू थ्री परसेंटाइल में जो है डिफरेंस नजर आएगा नेट और जे आर एफ में ठीक है बाकी डिपेंड इस बात पर भी करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं एग्जाम के लिए अगर ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होंगे ठीक है तो परसेंटाइल जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए क्रैक करना कम स्टूडेंट्स होंगे सो आपके चांसेस जो हैं, वो ज्यादा हो सकते हैं और ये जो पर्सनल का गैप है वो भी ज्यादा हो जाता है सो लास्ट फाइव टू सिक्स अटेम्प्ट के बेसिस पे आई हैव कंक्लूडेड कि आपको कितने परसेंटेज जो है या कितने मार्क्स जो हैं, वो स्कोर करने हैं मिनिमम टू क्वालिफाई फॉर नेट और जे ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी की एंड फॉर नेट आपको चाहिए 55 60 मार्क्स ठीक है जैसे अगर 300 मार्क्स का आपका पेपर है तो आपको मिनिमम 180 मार्क्स जो है वो सिक्योर करने हैं अगर आप 180 एटी सिक्योर कर लेते हो ना तो आपका नेट कहीं नहीं जा रहा है नेट आपका पक्का है परसेंटाइल में हम लोग जा नहीं सकते हैं लेकिन अगर आप अपने खुद पे देखो चेक करो अपनी आंसर की जब आप मैच करोगे सो so, आप एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपके 180 मार्क्स बन रहे हैं या 180 प्लस बन रहे हैं देन फॉर श्योर आपका जो नेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा एंड फॉर जे आर एफ आपको सिक्सटी थ्री टू सेवेंटी परसेंट चाहिए ठीक है कॉमर्स के लिए आपको एटलीस्ट टू हंड्रेड टेन मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करने हैं यानी कि आपके एटलीस्ट सेवेंटी क्वेश्चन जो हैं वो ठीक होने चाहिए तो जब आप अपने आंसर की चेक करोगे तो so आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो कहाँ पे आपके चांसेस हैं, आपके चांसेस हैं या नहीं नेट के लिए या जे के लिए सो so, इस परसेंटेज के बेसिस पे आप ये आइडिया लगा सकते हो डब्ल्यू के लिए आपको एटलीस्ट 53 थ्री टू फिफ्टी यानी कि अराउंड 162 मार्क्स जो हैं वो चाहिए JRF के लिए सिक्सटी टू 65 परसेंट ठीक है 195 मार्क्स जो हैं वो आपको चाहिए ठीक है ये जो है ये एनालिसिस लास्ट फाइव टू सिक्स अटेम्प्ट की बेसिस पे है ठीक है एग्जैक्टली ऐसा नहीं रहता रिजल्ट लेकिन अगर आप मिनिमम वाला जो क्राइटेरिया है वो क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपको एक एक्सपेक्टेशन लग जाती है या आपको पता चल जाता है कि आपके कितने चांसेस हैं इस पेपर को क्लियर करने के लिए ओबीसी के लिए 52 टू 54 परसेंट है नेट और जेआरएफ जो है वो 58 टू 63 परसेंट है एस के लिए 48 टू 50 परसेंट एंड जेआरएफ जो है वो 56 टू 60 परसेंट एस के लिए भी सिमिलर है 48 टू 50 लेकिन उनका जो जे है वो कई बार कम रह जाता है परसेंटेज सो so 54 टू फिफ्टी भी सफिशेंट है देन पी के लिए फोर्टी टू 50% and JRF के लिए 54 to 60%. सो ऑन दिस पेसिस आप ये आइडिया लगा सकते हो या आप अपना जो पूरा प्लान है कि किस तरह से पढ़ना है और कहाँ से कितने मार्क्स हम सिक्योर कर सकते हैं वो प्लानिंग कर सकते हो सो बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन आप एक आइडिया लगा के चलो आपके माइंड में ये पता होना चाहिए कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं आपका टारगेट कितना मार्क्स है आपको नेट क्लियर करना है कि आपको जे आर एफ क्लियर करना है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके मिनिमम क्राइटेरिया या मिनिमम मार्क्स कितने रिक्वायर्ड